दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल नियुक्ति पत्र के संदर्भ में जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है कि सीएम योगी का जनता दरबार कार्यक्रम में अभ्यर्थियों का जमावड़ा। जाहिर सी बात है आप सभी को पता है लगातार आपका मामला जो लेखपाल अभ्यर्थियों का है वो भी नियुक्ति पत्र के संदर्भ में वो लगातार ट्रेंड कर रहा है और अभ्यर्थी एक ही मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि हम लोगों का नियुक्ति पत्र जो है वो जल्द से जल्द वितरित किया जाए। तो आपका नियुक्ति पत्र कब वितरित किया जाएगा? आप सभी को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार कार्यक्रम था, वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी उस जनता दरबार कार्यक्रम में पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन सभी के द्वारा सौंपा गया है ज्ञापन। ठीक है, अब वहाँ पर ज्ञापन सौंपते वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या कुछ आश्वासन निकल कर आया है बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे। यहाँ से देखिए एक फोटो क्लिप आपके बीच में वायरल किया जा रहा है। नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा है 22 मार्च से पहले नियुक्ति पत्र। क्या वाकई में 22 मार्च से पहले आप सभी का नियुक्ति पत्र का वितरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नीचे यहाँ देखिए केस डिस्पोज्ड की बातें कही जा रही हैं कि अभी तक देखा जाए तो आपके जितने भी केसेस लेखपाल नियुक्ति पत्र पर चल रहे थे कुछ क्वेश्चनों की सुनवाई कल के डेट में फाइनल आपकी होनी है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो अधिकतम चांसेस जो बन रहे हैं जो भी केसेस वर्तमान समय में कोर्ट केस में पेंडिंग चल रहे हैं वो लगातार कोर्ट के द्वारा डिस्पोज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप जो कह रहे थे कि क्या 22 मार्च को हमारा जो मामला है वो फिनिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जो अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार कार्यक्रम में गए थे वहाँ पर जो अभ्यर्थी ने ज्ञापन सौंपा है उन सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि आपका जो कोर्ट केस का मामला चल रहा है वो बहुत जल्द से जल्द सारे केस डिस्पोज्ड होंगे और आप सभी को नियुक्ति पत्र का वितरण बहुत जल्द किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि भैया क्या 22 मार्च तक हमारे सारे केसेस डिस्पोज्ड होंगे या नहीं होंगे, तो ध्यान दीजिएगा 22 मार्च से पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कह भी दिया है कि 22 मार्च तक, यानी 22 मार्च उससे पहले 28 दिन का समय दिया गया था और 22 मार्च तक उन्होंने कहा है कि जो भी केसेस इस मामले पर चल रहे हैं लेखपाल नियुक्ति पत्र पर वो केस को निपटारे किए जाएं और जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाए। तो ये मानकर चलिएगा 100% कि 22 मार्च तक आपके सारे केसेस डिस्पोज होके आप सभी का नियुक्ति पत्र जो है आपके हाथों में सौंपा जाएगा। देखिए ये अपडेट से, हालांकि इस चीज़ से मैंने पहले भी आपको रूबरू करा दिया है, लोग वेटिंग लिस्ट इत्यादि की बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है देखिए यहाँ टोटल सिलेक्शन जो हुआ है 7,885 पदों का भर्ती प्रक्रिया थी जिसमें 7,987 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और अब जो पद बच रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भैया क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड है कि कभी इन्होंने वेटिंग लिस्ट को नहीं दिया है। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन हो गया जिनका उन्हीं का होगा, बाकी जिनका नहीं हुआ है किसी कारण बस एक नंबर आधे नंबर से रुका हुआ है वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी जारी नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। जो कुछ लोग इस चीज़ को लेकर लगातार परेशान है कि भैया वेटिंग लिस्ट जारी कर दें, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। हाँ, बट आप अगर जो है किसी तरह से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट वगैरह ये सब करते हैं तो वो अलग का मामला है, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि कभी अगर नहीं दिया है तो इस भर्ती में भी ऐसा होगा नहीं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप सोशल मीडिया से कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग का मामला है। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।